नेक्स्ट मेथड इज आर इंडेक्स और इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग डॉट आर इंडेक्स और ये भी आपका एक सब स्ट्रिंग लेगा, स्टार्ट और एंड भी ले सकता है और अगर फाउंड हुआ तो उसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक्सेप्शन रेज करेगा। और मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ लेट से पाइथन इज फन बट जावा इज आउट और एस डॉट और इंडेक्स और इसमें मैं कहता हूँ इसको फाइंड करें, इसने ऑफ कोर्स राइट से इंडेक्स इस फाइंड करना स्टार्ट किया जो कि इसको 23 इंडेक्स में मिला वो बता दिया। ठीक है, अब ये तो हमारा आर फाइंड भी कर सकता था, आर फाइंड अगर आप एस डॉट आर फाइंड करें और इसमें आप इस दें तो भी आपको 23 ही दे रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एस डॉट आर इंडेक्स अगर आप लिखें और इसमें मैं लेट से जावा देता हूँ तो व्हाट, अच्छा जावा इसमें पड़ा है, आई एम सॉरी, मैं जावा की जगह सी लैंग्वेज देता हूँ, सी इसमें तो इसने एक्सेप्शन रेज किया वैल्यू एरर और काय के सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। लेकिन मैं अगर एस डॉट आर फाइंड रेज करूँ और इसमें मैं सी दूँ तो ये माइनस वन दे रहा है। तो डिफरेंस ये है कि अगर कोई चीज फाउंड नहीं हुई स्ट्रिंग में, फाइंड नहीं कर पाया, नहीं है उसमें, तो आर फाइंड आपका माइनस वन रिटर्न करेगा और आर इंडेक्स आपका एक एक्सेप्शन रेज करेगा वैल्यू एरर के सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। बाकी ये कि आप इसमें अपनी रेंज भी दे सकते हैं कि किस रेंज में चेक करें, पहले 10 वैल्यूज में मैंने चेक करे तो उसने 7 बता दी क्योंकि पहली 10 वैल्यूज तकरीबन इतनी बनती हैं और इसमें यहाँ से राइट से चेक करना इसने स्टार्ट किया तो इसको ये मिल गया। बाकी पूरे में चेक करना है तो आप नहीं दें, जस्ट छोड़ दें तो वो फाइंड करके दिखाएगा। दैट्स इट।